स्टूडेंट, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम जो है वो प्रूव किया था, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज की इस वीडियो में भी हम एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वन प्लस वन ओवर एन होल की पावर एन जो है वो इक्वल टू होता है ई की। अब स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कहता है जब लिमिट एन जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास वन प्लस वन ओवर एन होल की पावर एन जो है ये ई को अप्रोच करता है, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, कि आपने प्रूव ये करना है कि जब एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी कि एन जो है वो जब इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो ये जो फंक्शन है वो ई को अप्रोच करे, ये आपने प्रूव करना है। तो उसमें इस क्वेश्चन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके जो राइट हैंड साइड है उसको प्रूव करेंगे। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वन प्लस वन ओवर एन होल की पावर एन। अब स्टूडेंट, अगर हम इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करते हैं, तो लिमिट अप्रोच करने से ये बन जाएगा वन प्लस वन ओवर इंफिनिटी और होल की पावर में इंफिनिटी आ जाएगा। अब स्टूडेंट, ये वन तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और वन ओवर इंफिनिटी होता है जीरो, और ये इंफिनिटी, ये इक्वल टू आ जाएगा वन की पावर इंफिनिटी, जो कि हमें पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करें, और डायरेक्ट लिमिट पुट करने से फंक्शन का जो आंसर है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, तो हमने फिर क्या करना होता है? फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी होती, बल्कि हमने उस फंक्शन में लिमिट पुट करने से पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब फ्रेंड, हमने फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा थ्योरम पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम। शाबाश, याद है ना सबको? वो ही थ्योरम जो है बेटा हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वन प्लस एन इंटू वन ओवर एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू वन ओवर एन की पावर टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू वन ओवर एन की पावर थ्री प्लस सो ऑन। ये स्टूडेंट हमने यहां पे बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दी है। अब इसको मजीद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन। स्टूडेंट, ये जो एन है वो इस एन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस वन। तो स्टूडेंट, इसको हम वैसे लिख देंगे प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल। अब इसका जब हम स्क्वेयर ओपन करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा वन ओवर एन स्क्वेयर प्लस अगेन स्टूडेंट
वैसे लिख लेते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल इंटू वन ओवर एन क्यू प्लस सोन। अब इसका भी हमने क्यूब जो है वो ओपन कर दिए। अब स्टूडेंट अगेन हम यहां पे लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब फिर ये वन और ये वन ऐड होकर क्या बन जाएगा टू, तो यहां पे हम लिख देंगे टू प्लस। अब फिर देखो ये जो एन है वो इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां पे पावर टू आ रही है, यहां पे ये एन एन इसकी पावर से कैंसिल होगी, एन रह जाएगा। इस एन माइनस वन को हम वन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा वन ओवर टू फिक्टोरियल इंटू एन माइनस वन ओवर एन, ठीक है स्टूडेंट। हमने यहां पे ये जो एन है इसको इसकी पावर से कैंसिल किया, तो यहां पे रह जाएगा एन, और फिर इस एन माइनस वन को हमने वन से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन प्लस। अब अगेन देखो ये जो एन है यहां पे आ रहा है एन की पावर थ्री, इस पावर से कैंसिल होगा, तो यहां पे रह जाएगा एन टू, तो यहां पे ये देखो ये वन ओवर थ्री फैक्टोरियल वैसे ही ये नीचे आ गया एन स्क्वेयर, और इस एन माइनस वन और एन माइनस टू का हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन और एन माइनस टू, इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस एन माइनस वन एन माइनस टू को हमने वन से मल्टीप्लाई किया, तो एन माइनस वन एन माइनस टू, और यहां पे ये जो एन है इसकी पावर से कैंसिल हुआ था, यहां पे रह गया एन टू प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट अगेन हम उसको वैसे लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये स्टूडेंट टू जो है वैसे का वैसे ही प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल। अब स्टूडेंट ये जो एन माइनस वन है इसके साथ हो रहा है एन डिवाइड, तो एन को हम इस एन के साथ अलहदा से डिवाइड कर देंगे और वन के साथ अलहदा से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एन ओवर एन माइनस वन ओवर एन, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह यहां पे स्टूडेंट आ जाए प्लस वन ओवर थ्री फिक्टोरियल, तो यहां पे देखो स्टूडेंट ये आ रहा है एन स्क्वेयर, यानी कि एन स्क्वेयर जो है वो इक्वल टू होता है एन इंटू एन के, यानी कि जब एन को एन से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है एन स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे एक एन को एन माइनस वन के साथ डिवाइड कर देंगे और एक एन को एन माइनस टू के साथ, तो इसको देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू एन माइनस वन ओवर टू इंटू एन माइनस टू ओवर टू प्लस सोन, ठीक है स्टूडेंट। हमने सॉरी यहां पे एन है, यहां पे हमने क्या किया एन स्क्वेयर आ रहा था, तो हमने एक एन को एन माइनस वन के साथ डिवाइड कर दिया और एक एन को एन माइनस टू के साथ डिवाइड कर दिया। अब अगेन हम स्टूडेंट इसको लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये टू प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल, ये एन इसके साथ कैंसिल होगा, तो वन माइनस वन ओवर एन। अब सेम ये वन प्लस प्लस वन ओवर थ्री फिक्टोरियल वैसे ही इस एन ओवर एन माइनस वन ओवर एन, ये जो एन है वो एन के साथ भी डिवाइड हो रहा है और वन के साथ भी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेम यहां पे ये जो एन है इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये टू के साथ भी डिवाइड होगा प्लस सोन। अब
या पे अगेन हम लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये टू वैसे ही, प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन ओवर एन प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल, ये एन इस एन से स्टूडेंट कैंसिल होगा तो वन माइनस वन ओवर एन, इस तरह ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आ जाएगा वन माइनस टू ओवर एन प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम यहां पे अब लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, यहां पे जिस जगह पे एन आ रहा है, हम एन की जगह पे इसकी लिमिट जो है इन्फिनिटी उसको अप्रोच करवा देंगे, वो पुट कर देंगे। तो यहां पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये टू वैसे ही, प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल वन माइनस एन की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट इंफिनिटी, प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन ओवर एन की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा इंफिनिटी इंटू वन माइनस टू ओवर इंफिनिटी प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट ये टू तो वैसे का वैसे ही आएगा, वन ओवर टू फिक्टोरियन। अब फ्रेंड वन ओवर इंफिनिटी होता है जीरो, तो यहां पे आ जाएगा जीरो प्लस वन ओवर थ्री फिक्टोरियन, वन ओवर इंफिनिटी जीरो इंटू वन माइनस टू ओवर इंफिनिटी, ये भी जीरो प्लस सो ऑन। अगेन ये टू वैसे का वैसे ही, प्लस वन माइनस जीरो वन, और वन इस वन से मल्टीप्लाई होके वन ओवर टू फिक्टोरियल, प्लस इस तरह वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, वन वन से मल्टीप्लाई होके वन, और वन इस वन से मल्टीप्लाई होके वन, तो यह आएगा वन ओवर थ्री फिक्टोरियल। इस तरह यहां पे प्लस हो होना आ रहा है, तो ये एक सीक्वेंस को समझे, देखो क्या आ रहा है, टू प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल प्लस वन ओवर थ्री फिक्टोरियल, इस तरह आगे आ जाएगा वन ओवर फोर फिक्टोरियल प्लस सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये एक सीक्वेंस बन रही है, वन ओवर टू फिक्टोरियल आ रहा है, वन ओवर थ्री फिक्टोरियल आ रहा है, वन ओवर फोर फिक्टोरियल प्लस सो ऑन आ रहा है। अब स्टूडेंट देखो ये जो टू है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाता है, प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल जो है स्टूडेंट ये इक्वल टू होता है 0.5 के, प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल स्टूडेंट ये इक्वल टू होता है 0.166667 के, प्लस वन ओवर फोर फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 0.014666667 प्लस सो ऑन, ये इसके इक्वल। अब फिर जब हम इनको ऐड करेंगे सबको तो ये बन जाएगा 2.1781 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। और सुन याद हो ये हमने पढ़ा हुआ है आयलर कांस्टेंट, ई जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है आयलर कांस्टेंट होता है, ई को हम बोलते हैं आयलर कांस्टेंट, और इसकी हमने वैल्यू पढ़ी हुई है 2.1781 समथिंग, ये इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो देखो यही वैल्यू नहीं आ रही, ये आयलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं फिर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आ गई, क्योंकि ये तो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप कह सकते हो ई के, तो ये ही आ गया इक्वल टू ई के, जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो देखो स्टूडेंट इसमें हमने यही नहीं प्रूव करना था कि जब लिमिट एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो जो फंक्शन है वो ई को अप्रोच करेगा, तो यहां पे देखो हमने यहां पे लिम जो है वो एन को अप्रोच कर रही थी इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर गया, ई को, तो ये जो थ्योरम है वो स्टूडेंट प्रूव हो गया। स्टूडेंट डिडक्शन है जो भी हमने थ्योरम प्रूव की है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी
वन प्लस वन ओवर एन होल की पावर एन जो है वो इक्वल टू होता है ई से। इसी फार्मूले से एक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसका वो कौन सा है जी, लिमिट। कहता है जब एक्स अप्रोच करे जीरो को तो वन प्लस एक्स की पावर वन ओवर एक्स जो है इक्वल टू होता है ई के। ये आपने प्रूव करना है। जब आपने कोई कह रहा था कि जब एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो फंक्शन जो है वो ई को अप्रोच करता है। यहां पे वो कह रहा है कि जब लिमिट जीरो को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है वो ई को अप्रोच करेगा। ये आपने प्रूव करना है। तो सेम जिस तरह से हमने ये किया था इसको भी हम वैसे करेंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्टूडेंट जो है वो सोल्व कर लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन ओवर एक्स। अब यहां पे तो एन पावर थी स्टूडेंट, हमने यहां पे लगा लिया था बाइनोमियल थ्योरम। अब यहां पे पावर आ रही है वन ओवर एक्स, तो हम क्या करेंगे इसी फार्मूले इसको इस वैल्यूज को इस ये जो वैल्यू है फार्मूले की इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है इक्वल टू है ई के। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम यहां पे कुछ वैल्यूज को पुट कर लें। यहां पे जैसे यहां पे आ रहा है वन ओवर एक्स, तो हम यहां पे पुट कर लेते हैं कि पुट एन इक्वल टू वन ओवर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहां से वन ओवर एक्स को पुट कर लिया है एन के इक्वल। अब यहां से स्टूडेंट अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये क्या बन जाएगी, देखो एक्स में डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स और एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड, ये क्या बन जाएगा वन ओवर एन। ठीक है स्टूडेंट, कि जब हमने पुट किया है एन जो है वो इक्वल टू है वन ओवर एक्स के, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एन इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, तो ये हमारे पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन ओवर एन के। अब यहां देखो जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है जीरो को, तो वेन एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करे तो फिर एन किसको अप्रोच करेगा। ठीक है, देखो अगर हम यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जीरो तो ये क्या बन जाएगा एन इक्वल टू वन ओवर जीरो, और वन ओवर जीरो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट इंफिनिटी के। इसका मतलब कि जब एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा देन जो एन है वो किसको अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहां पे थोड़ा सा पुट किया है, हमने वन ओवर एक्स को एन के इक्वल पुट कर लिया, यहां से फिर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की। फिर जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो उसमें ये जो एन है वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। कैसे, अगर हम यहां पे एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें तो वन ओवर जीरो, और वन ओवर जीरो जो है स्टूडेंट क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब ये जो वैल्यू हमने पुट की है हम यहां पे स्टूडेंट क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखो ये लिमिट, अब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो एन किसको अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फिर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस, यहां पे एक्स किसके इक्वल आ रहा है वन ओवर एन के, तो यहां पे आ जाएगा वन ओवर एन, और वन ओवर एक्स को हमने क्या पुट किया स्टूडेंट एन, तो यहां पे आ जाएगा एन। तो देखो स्टूडेंट अब ये क्या बन गया, ये जो है ये वाली साइन नहीं बन गई, ये अभी हमने प्रूव किया है ये इसके इक्वल होता है। तो यहां पर स्टूडेंट हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट के लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस वन ओवर एन होल की पावर एन इक्वल टू होता है ई के। तो फिर हम यहां पे क्या लगा देंगे ई, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ई। तो यही तो हमने प्रूव करना था।
तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिमिट जो है अगर अप्रोच करे 0 को, देन जो फंक्शन है 1 + x होल की पावर 1/x ये e को अप्रोच करेगा। ये हमने प्रूव करना था स्टूडेंट, ये प्रूव हो गया।